वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, शिबा इनू के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट अगर आज देखेंगे तो संडे मॉर्निंग को 1.23 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुका है, 1.23 पे बना हुआ है और हल्की फुल्की जो है ग्रीनरी हमको मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन बिटकॉइन स्टेबल है लास्ट 24 आवर से। अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है परसों से ही स्टेबल हो गया बिटकॉइन के 29,700 पे। कल पूरा दिन इसी प्राइस पे चलता है रहा बिटकॉइन। और अगर आप लास्ट 24 आवर के हाई लो देखेंगे बिटकॉइन के, तो ज़्यादा कोई हाई लो नहीं है, सिर्फ 29 के लेवल के ही आपको दिखेंगे। 29,500 का लो हिट किया, 29,930 का हाई हिट किया और 29,700 का जो प्राइस है अभी करंट चल रहा है। तो प्राइस 29,000 डॉलर पर ही घूम रहे हैं और आज जो प्राइस हैं आपको और भी नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट देखेंगे बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर भी यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब प्राइस जो है 29,900 ये लेवल और 29,500, तो इसी प्राइस रेंज में जो है बिटकॉइन यहाँ पे मूव कर रहा है लास्ट 24 आवर से। और अगर हम बात करें बाकी कॉइन्स का क्या हाल चल रहा है, इथीरियम पे क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन स्टेबल है तो इथीरियम भी 1792, जी हाँ 1792 पे जो है इथीरियम के प्राइस चल रहे हैं। तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे तो 1% यहाँ पे 1.5% इथीरियम ऊपर भी है। टीथर थर्ड नंबर पे, यूएसडी कॉइन है फोर्थ नंबर पे, बीएनबी कॉइन 297 डॉलर पे आ चुका है, 300, 301 डॉलर ये लेवल चल रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा और नीचे स्लिप हुआ है। और कार्डानो की अगर बात करें 0.56 डॉलर, हल्की सी ग्रीनरी है। एक्सआरपी रिपल की बात करें तो 0.39 पे चल रहा है, हल्की सी ग्रीनरी है। बाइनेंस यूएसडी 8 नंबर पे 1 डॉलर के साथ। और सोलाना 38 डॉलर पे काफ़ी अच्छी डिप के अंदर बनी हुई है, 2.6% ऊपर भी है। इसके अलावा डॉज कॉइन 10 नंबर पे फिक्स है 0.08 डॉलर के साथ। अगर आप देखें यहाँ पे हल्की सी डाउनफॉल है। पोलका डॉट भी 9 डॉलर पे स्टेबल हो चुकी है, हल्की सी ग्रीनरी है। और अगर हम बाकी कॉइन्स का देखें तो रैप बिटकॉइन 12 नंबर पे फिक्स हो चुका है और ट्रॉन भी 13 नंबर पे फिक्स हो चुका है, डाई भी 14 नंबर पे, एवलॉन्च 24 डॉलर के साथ 5% ऊपर है। शिबा इनू की बात करें तो यहाँ पे 0.00001079 की सीरीज चल रही है। पॉलीगॉन मैटिक 0.59 डॉलर के साथ चल रहा है। तो शिबा इनू के क्या हाई लो रहे हैं लास्ट 24 आवर के अंदर, अगर आप देखें शिबा इनू का यहाँ पे तो 0.4x 0.1078 का प्राइस चल रहा है, 1068 लो हिट किया, 1091, तो 10 की सीरीज पे ही प्राइस घूम रहे हैं। और हल्की सी डाउनफॉल है, 17,37,000 लोगों ने शिबा इनू को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अगर हम चार्ट की बात करें तो जिस तरह बिटकॉइन 29,000 की रेंज में ही बना हुआ है, वैसे ही शिबा इनू 10 की सीरीज़ की रेंज में बना हुआ है। ठीक है, 1091 का हाई और 1070 का लो, और अभी जो करंट प्राइस चल रहे हैं वो 1080 के अराउंड जो है, 1079 के अराउंड जो है चल रहे हैं। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें शिबा इनू की, क्या कुछ ट्रेडिंग हो रही है, तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, रेड में चल रही है। ये कुछ करंट हाल हैं क्रिप्टो मार्केट के शिबा इनू के आज संडे मॉर्निंग को। तो पहली अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू को लेके, जो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ प्रूफ भी चाहिए होता है। तो शिबा इनू गोइंग टू रीच 1500 आइलैंड एज एस्टोनियन एक्सचेंज लुकिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट शिब। तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया था एस्टोनिया 1500 आइलैंड्स और एस्टोनियन एक्सचेंज जो स्विच शेयर है वो यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है शिबा इनू को, तो शिबा इनू के साथ और एस्टोनियन एक्सचेंज की एक पार्टनरशिप हो सकती है जिसके ज़रिए जो 1500 आइलैंड है इनके ऊपर भी पहुंच जाएगा शिबा इनू। और एक बहुत बड़ी अपडेट है शिबा इनू को लेके। इसके अलावा एक सबसे बड़ी न्यूज़ और आई थी शिबा इनू को लेके, साओ पोलो एफसी नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी फॉर गेम टिकट्स नाउ थैंक्स टू बिट्सो। तो बिट्सो जो एक्सचेंज है यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है शिबा इनू के लिए। और ये जो ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम है इसका अपडेट हमने आपको कल ही दे दिया था, तो ये भी अब जो गेम टिकट्स के लिए है जो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट ले रहे हैं वो शिबा इनू में ले रहे हैं। शिबा इनू की जो पेमेंट है यहाँ पे साओ पोलो एफसी टीम जो है एक्सेप्ट कर रही है। और लास्ट 24 आवर में शिबा इनू की बर्निंग का नंबर देखें तो 296 अगर आप देखेंगे मिलियन के अराउंड जो है यहाँ पे, तकरीबन तकरीबन 300 मिलियन के अराउंड
यहाँ पे बर्निंग हुई है, और इतनी बर्निंग से यहाँ पे शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, 92% तक बर्न रेट शिबा इनू का बढ़ गया। लेकिन बर्निंग अभी आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्लो बर्निंग हो रही है, और लास्ट 24 आवर में इतने कॉइन्स चले गए हैं सप्लाई में से बाहर। आ गए हैं शिबा इनू के बर्न पोर्टल के ऊपर, देख लेते हैं कितने टोकन्स बर्न हो चुके हैं। तो बिल्कुल 53 बिलियन का नंबर, 53 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है, 52 पे अटक गया था, लेकिन अभी जो नंबर है 53 बिलियन का पहुंच चुका है, और शिबा इनू के बर्न पोर्टल ने इतने जो टोकन्स हैं वो सप्लाई में से बाहर निकाल दिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है दुबई और crypto.com को लेके। दुबई गिव्स crypto.com प्रोविजनल अप्रूवल टू ऑफर क्रिप्टो सर्विसेज। जिस तरह बाइनेंस को और भी एक्सचेंजेस हैं जिनको अप्रूवल मिला है दुबई के अंदर ऑपरेट करने का, तो यहाँ पे crypto.com भी नेक्स्ट नंबर crypto.com का लगता हुआ, और दुबई वॉच डॉग VARA ग्रीन लाइटेड crypto.com एम्बिशंस टू इनेबल क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो बिल्कुल crypto.com भी पहुंच चुका है दुबई में, और दुबई के अंदर जो अप्रूवल है वो यहाँ पे मिला है, प्रोविजनल अप्रूवल, और क्रिप्टो सर्विस ऑफर करेगा crypto.com भी अब दुबई के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है ADA कार्डेनो को लेके। जिस तरह से कार्डेनो वेल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, जी हाँ, अगर आप देखेंगे कार्डेनो वेल ट्रांजेक्शन सिग्नल ADA अपसाइड एज ऑन चेन एक्टिविटी हिट्स एक्सट्रीम बुलिश लेवल। तो कार्डेनो के जो ट्रांजेक्शन वेल लेवल के ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं ग्राफ, और हमने पहले भी कहा है वॉल्यूम्स आ रहे हैं कार्डेनो के अंदर, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो कार्डेनो ने यहाँ पे हिट किया है। तो जिस तरह से अगर आप देखेंगे ADA स्पाइक टू अबाउट 160-100K प्लस ट्रांजेक्शन ओवर द स्पैन ऑफ 6 आवर, तो ये आप ट्रांजेक्शन देखेंगे तो 160 ऐसे ट्रांजेक्शन हुए जो 100K से भी ऊपर के और 6 आवर्स के अंदर। तो जिस तरह से कार्डेनो ADA के अंदर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कार्डेनो वेल्स जो हैं इस टाइम पे काफ़ी एक्टिव हैं। ऑलरेडी कार्डेनो बहुत नीचे है डिप के अंदर, तो अभी कार्डेनो की जो गाड़ी है वो यहाँ पे स्टार्ट होती दिख रही है, और आने वाले टाइम में कार्डेनो की और भी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कार्डेनो ADA को लेके, और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं कार्डेनो को लेके। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की अगर बात करें तो वो है यहाँ पे RVL को लेके। रेवोलोटो के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, हमने सब बात की थी रेवोलोटो के बारे में। तो रेवोलोटो को लेके हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे इस क्वाइन ने, अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे 3% ये ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आप 24 आवर का चार्ट देखेंगे इस क्वाइन का, तो इस 24 आवर के चार्ट के अंदर इसने 3,500% का जो रिटर्न है, जो छलांग है, वो एकदम से लगाई है। और रेवोलोटो ने अगर आप देखेंगे इस प्राइस से लेके सीधा सीधा ये पहुंच गया है, 0.08 तक इसने हाई लगाया है अभी जो प्राइस चल रहे हैं। और अगर हम यही चार्ट इसका क्वाइन गीको पे देखें, तो क्वाइन गीको पे जब आप आओगे तो यहाँ भी आपको एग्जैक्ट जो है नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो लास्ट 24 आवर के अंदर ये प्राइस 1 रुपये से भी बहुत नीचे था, जो प्राइस चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे, वो आप देख सकते हो, और इसके जो प्राइस आ चुके हैं 3.77 पे आ चुके हैं, मतलब 3 रुपीज़ को भी क्रॉस कर चुका है, और इसने जो हाई लगाया वो 5 रुपीज़ तक का लगाया। अगर आप यहाँ देखेंगे लास्ट 24 आवर में 35% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न है। और अगर हम यहाँ पे हाई लो देखें तो आप देख सकते हो अपना हाई हिट कर लिया है, वो भी अगर आप, तो 4 जून को इसने अपना लो हिट किया था अगर आप देखेंगे जो कि, और आज ही इसने सीधा एक जो है रिटर्न दे दिया इतना बड़ा। तो 4 जून 2022 को इसने अपना हाई लो हिट किया 0.06 का, सीधा अभी प्राइस 3 रुपीज़ पे पहुंच गया। अगर हाई की बात करें तो इसका हाई 307 रुपीज़ का है, और एक टाइम था जब इस कॉइन की बहुत हाइप थी, बहुत ही इस कॉइन के प्राइस भी इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा मामला ठंडा हो गया, लेकिन फिर से इस कॉइन ने एकदम से जो है 3,500% का जो रिटर्न है वो दिया है यहाँ पे। और अगर आप इस कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। खरीदने से पहले, मनी ऐड करने से पहले आप इस कॉइन पे अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है, तभी आप अपना डिसीज़न लें।
और अभी फ़िलहाल यही अपडेट है कि रेवोलोटो ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, वो भी लास्ट 24 आवर के अंदर, जो कि बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।